राजस्थान कवरेज में आप सबका स्वागत है। आज हम पारा जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के किशनगंज ब्लॉक के खंडेला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हैं, जहां पर संकल्प सोसाइटी के माध्यम से CCIL मुंबई के सहयोग से आदिवासी बच्चों के लिए है सीक्रेट सेंटर संचालित कर रखे हैं। ये सेंटर शाहबाद और किशनगंज ब्लॉक में 20 सेंटर संचालित कर रखे हैं। संकल्प ने हमेशा ही शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का काम किया है। सन 1984 से संकल्प सोसाइटी आदिवासी समुदाय के लिए काम कर रही है, उनके बच्चों के लिए शिक्षा का काम करती है, स्वास्थ्य पे काम करती है, राइट बेस उनका काम है, उनकी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उनके हक अधिकार है उनका दिलाने का काम करती है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अग्रणी विकास किया है। आज इस क्षेत्र में जो शिक्षा की देन है वो संकल्प सोसाइटी की देन है। संकल्प के कार्यकर्ता दिन रात रात्रिशालाएं गांव गांव में शिक्षा के सेंटर चलाकर और सारे बच्चों को पढ़ाने का काम करें। आइए आज हम बात करते हैं खंडेला सीक्रेट सेंटर पर, जहां पर सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको देखते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। चार जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे चार जोड़ेंगे नौ बारह तेरह ऐसे लाके ना तो तेरह हमें ऐसे लिखते हैं तेरह कितने लाके नीचे तीन हासिल लाके कितना बचेगा चार बारह ऐसे गुणा करेंगे, ठीक है। अब हासिल वाले गुणा कैसे करेंगे, कौन सा हासिल वाले गुणा कैसे करेंगे? ये सीक्रेट सेंटर के बच्चे हैं जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। बात करते हैं बच्चों से कि इन्होंने आज क्या क्या पढ़ा और कैसे इन्होंने शिक्षा ली। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं आपको यहाँ सेंटर में? वाक्य पढ़ा दिए, इंग्लिश में शब्द, पर्यावरण, गणित में जो घटा गुणा भाग, अंग्रेजी में फलों की। शाबाश। सेंटर पर आते तुझे क्या क्या अच्छा लगता है? सर सब कुछ। अच्छा, तुझे क्या क्या आता है गणित में? सर भाग, घटाव और जोड़। जो हिंदी में? सर हिंदी में क्या क्या पढ़ना जानता है? वाक्य और इमला, शब्द, किताब, अंशिका। कक्षा कौन सी पढ़ती है? दो में। अच्छा, सेंटर पर रोजाना आती पढ़ने? हाँ। अच्छा, तू यहाँ क्या क्या सीखती है सेंटर पर आके? जोड़ और आसिन वाले जोड़ और इस सेंटर कैसा लगता है तुझे? अच्छा लगता है। अच्छा, ये सेंटर में क्या क्या सामान से पढ़ते हो तुम? क्या नाम है? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? अच्छा, सेंटर में क्या क्या पढ़ते हो आप? सर जोड़ बताओ, पाला बुलाते हैं सर, और परिभाषा, टाइपिंग करता हूँ। किस में करते हो टाइपिंग? कंप्यूटर। आती है? किसकी टाइपिंग करते हो? हिंदी, अंग्रेजी, किसकी? फोल्डर बनाना आता है? हाँ सर। पेंट करना आता है? हाँ सर। सेंटर पर रोजाना आते हो? हाँ सर। ये सेंटर रोजाना खुलता है क्या?
सर कौन सा है ना जीतवार के दिन नहीं खुलता सर। क्या नाम है? आशीष। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? सेंटर के बारे में कैसा लगता है आपको? अच्छा, क्या क्या करते हो सेंटर पे आके? हिंदी में भी टाइपिंग कर लेते हो? अच्छा, आप क्या करते हो बच्चों के साथ? बच्चों को सर पढ़ाते हैं हिंदी गणित और साथ में कंप्यूटर को भी ज्ञान कराते हैं सर। तो ये बच्चे क्या स्कूल नहीं जाते हैं? स्कूल जाते हैं सर, स्कूल से पहले सुबह के टाइम आते हैं और स्कूल के बाद छुट्टी होने के बाद में आते हैं। अच्छा अच्छा, तो वहाँ भी तो पढ़ाई होती होगी? हाँ वहाँ भी होती है सर पढ़ाई। तो फिर वहाँ की पढ़ाई में आपकी पढ़ाई में क्या अंतर है? सर जैसे कि हमारा तो कोचिंग टाइप में स्कूल है ये भी, तो जैसे कि अभी छुट्टी होती है इस दिन हम सारा दिन बच्चों के साथ मेहनत करते हैं सर। छुट्टी के बाद में सर बच्चे गांव में खेलते रहते हैं और जब से सेंटर खुला है जब जिसके बाद से बच्चे हमारे पास में कोचिंग रूप में आते हैं। अच्छा, बच्चों को बुलाने जाते होंगे? आ जाते हैं कुछ बच्चे, आ जाते हैं सर बस, तो कुछ बच्चों को सिखाना पड़ता है बुला के। अच्छा, इस सेंटर में आपके पास क्या क्या सामान उपलब्ध है इनको बच्चों को सिखाने के लिए? दो कंप्यूटर है, स्मार्ट टीवी है और सर बोर्ड वगैरह सब सामग्री रहती है सर बच्चों को। आपके पास इस छोटे छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल की व्यवस्था है क्या? हाँ सर, खिलौना बहुत सारे दे रखे हैं सर। बच्चे उनसे खेलते हैं? बिल्कुल सर। अच्छा अच्छा, बच्चों को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर। और आपको पढ़ा के कैसा लग रहा है? हमें भी सर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं, वो भी हमारे समुदाय के बच्चे सही समझते हैं उनके, और हमारे बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं सर, तो बहुत अच्छा लगता है। जोर बना बात पढ़ना लिखना जुमला वगैरह नहीं आती थी और बच्चे जोर बना बात कर लेते हैं और बातें भी पढ़ लेते हैं, शब्द भी पढ़ लेते हैं और विलोम शब्द पर्यावर्ती आदि शब्द कर लेते हैं। पहले से इनमें काफ़ी सुधार हुआ है। मावाड़ी डे केयर सेंटर गणेशपुरा पढ़ाता हूँ। ये सेंटर कैसा चलता है? काफ़ी अच्छा चल रहा है सर, वैसे ये चलना भी चाहिए, इस पर कंप्यूटर का ज्ञान होता है। कुछ बच्चे शिक्षा से जो वंचित रह जाते हैं उनके लिए यहाँ पर शिक्षा दी जाती है और कुछ बच्चे जैसे यहाँ से गांव से प्लान कर जाते हैं उनका स्कूल में किसी नाम वजह से नाम कट जाता है, तो यहाँ पर दीपक जी सर जो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। आपके डे केयर सेंटर के बच्चे पढ़ने आते हैं क्या इसमें? इसमें आते हैं ना सर, डेली आते हैं, उनको अच्छा ज्ञान मिलता है, कंप्यूटर भी सीखे हैं सर, जो हमारे सेंटर पर कंप्यूटर नहीं है उनकी व्यवस्था नहीं है तो ये सर अच्छी तरह पढ़ा देते हैं। जो सीक्रेट सेंटर जो चल रहे हैं उसको लेके गांव में एक विलेज लेवल कमेटी बनी हुई है, तो ये जो मेरे आसपास बैठे हुए हैं ये कमेटी के सदस्य हैं, इन सदस्यों में जानना चाहेंगे कि क्या ये सेंटर किस तरह से चलते हैं और क्यों चला रखे हैं। बताओ साहब, ये सेंटर किसे चल रहे हैं? बढ़िया चल रहे हैं। हाँ अच्छा, ताली की देखभाल करवाओ तो देखो जो इन रोजाना खुले से रोज़। अच्छा, जो ये मास्टर किसे पढ़ाओ? बढ़िया पढ़ा रही है। और आपके बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने? अच्छा अच्छा, गाँव के बच्चे आते हैं पूरे? अच्छा, तो क्या ये सेंटर चलना चाहिए क्या? अच्छा, और अगर मान लो ये नहीं चलेगा तो चलो चोरी खेलेगा? अच्छा, अभी बच्चे खेलते नहीं है? अच्छा, ये यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं आपके? आते हैं। आते हैं। अच्छा, कैसे पढ़ाते हैं ये गुरु जी? आप बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा, बढ़िया पढ़ाते हैं। बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं आप? हाँ, बढ़िया पढ़ रहे। अच्छा, पहले से कुछ सीखे क्या? सीख गया। अच्छा, आप क्या काम करती हो? मजदूरी करती। मजदूरी करती। सेंटर को देखने आती हो क्या? दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।